के डर से भाग रही हो, कोई नहीं है तुम्हारे पीछे। शांत हो जाओ सखो। आप साई है ना? मेरे बाबा आपको बहुत मानते हैं। ये हरिभाव के प्रेम का कर्ज ही है जो मुझे तुम्हें रोकने के लिए यहाँ लाया। क्या करने जा रही थी तुम सखो? आत्महत्या? वो भी केवल इसलिए कि तुम अपने डर पर काबू नहीं पा सकती। आप नहीं जानते, तुम्हारी सारी समस्याओं की शुरुआत तुम्हारे डर से ही हुई है सखू। तुम बहुत सी चीजों से डर जाती हो जिससे दूसरी परेशानियां भी पैदा होती हैं। जानती हो सखू, डर हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। उसे निकालना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और ये अपनी जान लेने से कहीं ज्यादा आसान है। सखू, जिंदगी का त्याग करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसके लिए जिंदगी का मोल देना पड़े। जरा अपने बाबा और अपने भाई के बारे में सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे बाबा अपनी बाकी जिंदगी में खुश रह पाएंगे, सुकून से सो पाएंगे? क्या तुम्हारा भाई खुश रह पाएगा? सखू, क्या तुम उन्हें ये दुख, ये दर्द देना चाहती हो? नहीं साईं, मैं ऐसा नहीं चाहती, पर मेरे कारण सबको परेशानी होती है और मुझे नहीं लगता कि इस डर को मैं कभी भी अपने अंदर से निकाल पाऊंगी। एक कोशिश तो करके देखो सखू, कम से कम
अपने बाबा और भाई के लिए ही सही। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। डरो मत सकूं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले अभी सो रहे हैं। यहां जो हुआ है उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। चलो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।